दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, मोदी नई कैबिनेट में 43 मंत्रियों की शपथ, 36 नए चेहरे, 7 को किया गया प्रमोट, पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले केंद्र के एनडीए सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला फेरबदल और विस्तार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी की टीम में शामिल किए गए नए मंत्रियों के साथ प्रमोट किए गए 7 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। कुल 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा अब केंद्रीय कैबिनेट में 77 मंत्री हैं। विस्तार से पहले कैबिनेट के कुल सदस्यों की संख्या 53 थी, इनमें से 12 की छुट्टी कर दी गई और अब इस तरह कुल 41 सदस्य बचे हैं। कैबिनेट फेरबदल में 7 को प्रमोट किया गया है तो 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति ने कुल 43 सदस्यों को शपथ दिलाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि विस्तार से पहले ही 12 मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री थे। जिन मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया उनमें कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल थे। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट में जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है उनमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिराज सिंधिया, रामचरण प्रसाद, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस और भूपेंद्र यादव शामिल है। अगली बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से केवल 2 सांसद शामिल, एलजेपी और जेडीयू से एक एक मंत्री, सुशील मोदी की जगह नहीं। जी हां, मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से 2 मंत्रियों को शामिल किया गया। पहली बार जनता दल यूनाइटेड भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। बिहार से केवल 2 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनमें लोजपा और जेडीयू से एक एक मंत्री बनाया गया है। जेडीयू से सांसद आरसीपी सिंह को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी को जगह नहीं मिली है। उनका नाम बिहार चुनाव के बाद से ही चल रहा था। साथ ही आपको बता दें कि एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाने से यह तय हो गया कि एनडीए और बीजेपी के लिए चिराग पासवान कोई मायने नहीं रखते हैं। अगली बड़ी खबर, चाचा पारस के मंत्री बनते ही चिराग पहुंचे हाईकोर्ट, लोकसभा स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में लोजपा कोटे से पशुपति पारस को मंत्री बनाने के साथ चिराग पासवान के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बुधवार को चिराग लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी है। चिराग पासवान ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी गई है, जिसके बाद याचिका पर उच्च न्यायालय में 9 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट विस्तार के बीच चिराग पासवान का दावा, जल्द टूट जाएगी जेडीयू, कई विधायक मेरे संपर्क में। जी हां, मोदी कैबिनेट विस्तार के बीच लोजपा नेता चिराग पासवान ने जेडीयू में टूट का बड़ा दावा किया है। लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि जेडीयू में जल्द ही बड़ी टूट होगी। कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में है और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की चर्चा करते हुए चिराग ने कहा कि चाचा ने अपने स्वार्थ के कारण उनके पिता के पेट में खंजर भूखा है। साथ ही इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य और कांग्रेसी नेता अनुपम कुमार सिंह उर्फ हीरा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा की सदस्यता स्वीकार की। चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, अमित शाह को इस नए मंत्रालय का मिला जिम्मा। जी हां, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अब 2 नए मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। कल ही सरकार ने इस मंत्रालय का गठन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए डॉक्टर हर्षवर्धन के स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मनसुख मांडविया को दिया गया है।
है। सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय का जिम्मा भी मनसुख मांडविया को दिया गया है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर को जोड़ दिया है। इसके अलावा डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई को बाल विकास विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी को अब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। रेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे पीयूष गोयल को अब कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल के पास कॉमर्स और उपभोक्ता मामलों की जिम्मेदारी है। अश्विनी वैष्णव देश के नए रेल मंत्री का काम काज संभालेंगे। उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी होगा। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जगह हरदीप पुरी को दिया गया है। बिहार के पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा किरण रिजिजू को संस्कृति मंत्रालय, मध्य प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिराज सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है और भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार और अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने कल सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दिलीप कुमार की तबीयत पिछले 2 साल से लगातार खराब चल रही थी। 29 जून को उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल सुबह अचानक उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि दिलीप कुमार की पत्नी अभिनेत्री सायरा बानो ने मंगलवार को यह ट्वीट करके बताया था कि दिलीप साहब की तबीयत में सुधार हो रहा है। राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनका जाना सिनेमा जगत की अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने लिखा कि फिल्मों के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से दिलीप कुमार जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। उनके निधन से सिनेमा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक, बाढ़ से तबाह हजारों परिवार पलायन को मजबूर। जी हां, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक मंगलवार को लाल निशान को पार कर गई है। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर वृद्धि के साथ बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। दादर, कोलवर, रिंग बांध, विजय छपरा और बुद्ध नगरा में कटाव शुरू हो गया है। नदी में पानी बढ़ने के बाद चंदवारा मिल्लत कॉलोनी, हनुमत नगर, मुसहरी प्रखंड के कई वार्डो सहित कई नए में पानी घुस गया है। सैकड़ों लोग सामान के साथ ऊंचे स्थान पर या किराए के मकान में जा रहे हैं। बागमती के जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की कमी आई है। वहीं गंडक का जलस्तर स्थिर हो गया है। पहले से ही सिकंदरपुर, जीरो माइल और कांटे के मिटन सराय में बाढ़ से अफरा तफरी की स्थिति है। बागमती के पानी से औराई कटरा बेनीबाद मार्ग पर आवागमन बंद हो चुका है। प्रशासन ने औराई कटरा व कांटे के 17 पंचायत को बाढ़ प्रभावित माना है। बड़ी खबर, सीएम नीतीश ने दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, तुरंत सहायता उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के क्रम में सीएम ने दरभंगा जिले के हाईघाट, बहादुरपुर, हनुमान नगर, घनश्यामपुर, मधुबनी जिले के माधवपुर, खजौली, फूलपरास एवं घोघराडीहा तथा समस्तीपुर जिले के बिथान, सिंगिया, बरियाही एवं कल्याणपुर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के पश्चात एक अंक स्थित संकल्प में आपदा प्रबंधन एवं जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले के जिलाधिकारी की भी जुड़े थे। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान जिलावार प्रखंडों नदियों की स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि हवाई सर्वेक्षण कर जिलाधिकारी अपने जिले के सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का ठीक ढंग से जानकारी ले और उसके आधार पर आकलन करे। लोगों के रिलीफ के लिए हम सबको काम करना है, उन्हें हर प्रकार से मदद करनी है। हमने शुरू से ही कहा है कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। बड़ी खबर, मौसम विभाग का अलर्ट, 9 जुलाई तक पूरे बिहार में होगी बारिश, पटना सहित 11 जिलों में हाई अलर्ट। जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 9 जुलाई तक 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बांका, मुंगेर और भागलपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 8 जुलाई को सुपौल, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में बारिश हो सकती है। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में 7 जुलाई को बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बिहार के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में कभी भी
बारिश हो सकती है। स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव, बारिश हो सकती है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय और बेगूसराय सहित दक्षिण पूर्व बिहार में, जिसमें भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 12 घंटे में गरज के साथ बारिश के आसार है। हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में भी यह स्थिति बन सकती है। 5 साल बाद जनता के दरबार में उपस्थित होंगे नीतीश कुमार। 12 जुलाई से हर सोमवार सुनेंगे जनता की फरियाद। जी हां, जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम लंबे अंतराल के बाद 12 जुलाई से फिर शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम हर सोमवार को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि 12 जुलाई से वह जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार में आने वालों के लिए जिलों से आने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए नियम बनाने का हमने निर्देश दिया है। भारत ने वैक्सीनेशन में हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। 36 करोड़ से अधिक लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की खुराक। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 36 करोड़ से अधिक हो गया है। साथ ही बताया गया कि सुबह 7 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 36,05,958 खुराक दी गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस बिहार पंचायत में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हर गांव में 10-10 डेडिकेटेड वर्कर तैयार करेगी पार्टी। राहुल गांधी ने विधायक पार्षदों के साथ 1-to-1 बात की। जी हां, कांग्रेस के विधायक और विधान पार्षदों के साथ राहुल गांधी ने सामूहिक रूप से तो बात की ही, साथ ही 1-to-1 बात भी की। कांग्रेस के सभी विधायकों ने राहुल गांधी को सुझाव दिया कि हम सभी विधायक चुनाव जीतने के बाद कोरोना की वजह से बिहार का दौरा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए 1 माह के बाद कांग्रेस के सभी विधायक बिहार का दौरा करेंगे। राहुल गांधी को यह सुझाव भी दिया गया कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करे। पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस बिहार के हर गांव में अपने 10-10 डेडिकेटेड वर्कर तैयार करेगी। राहुल गांधी से आग्रह किया गया कि इन सभी गतिविधियों की समीक्षा हर 3 माह पर वे स्वयं करें और आगे की रणनीति के लिए गाइडलाइन भी दे। डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अतिरिक्त मौका। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में नामांकित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है। इस अतिरिक्त अवसर के तहत डीएलएड प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य अपने संस्थान के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन दिनांक 9 जुलाई से 13 जुलाई तक कर सकेंगे। साथ ही वे अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार भी दिनांक 14 जुलाई से 20 जुलाई तक करना सुनिश्चित करेंगे। यदि रजिस्ट्रेशन करने के साथ शुल्क जमा नहीं हो पाया तो शुल्क भी जमा भुगतान इस अवधि के दौरान अर्थात दिनांक 14 जुलाई से 20 जुलाई तक करने के लिए तिथि निर्धारित किया गया है। बड़ी खबर, राज्य में ऑड इवन रोल नंबर से स्कूल आएंगे विद्यार्थी। जी हां, राज्य में 10वीं से ऊपर के स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन ना तो असेंबली होगी और ना ही लंच का एक समय रखा जाएगा। एक कक्षा में एक साथ 10 विद्यार्थी से अधिक नहीं बैठेंगे। विद्यार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी कक्षा में रखी जाएगी। स्कूल में विद्यार्थियों के बीच दूरी रखी जाए, इसके लिए ऑड इवन रोल नंबर के अनुसार छात्र बुलाए जाएंगे। स्कूल खुलने के समय सारे मुंह के द्वार खोल दिए जाएंगे, तो वहीं छुट्टी के समय अलग अलग गेट से विद्यार्थी स्कूल से बाहर आएंगे। ये सारी व्यवस्था स्कूलों द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 12 जुलाई से स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार के शहर में मात्र 15 रुपये में मिल रहा है भरपेट भोजन। जाने कहां शुरू हुई है यह व्यवस्था। जी हां, बिहार के एक शहर में गरीब मजदूरों और सफाई कर्मियों को अब पैसों के अभाव के चलते आप भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यहां गरीब मजदूरों के लिए मात्र 15 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था शुरू हुई है। उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए भामाशाह फाउंडेशन के साथ मिलकर पटना नगर निगम क्षेत्र में मंगलवार को इस योजना का शुभारंभ किया गया है। मंगलवार को पटना नगर निगम के गायघाट स्थित नवनिर्मित रैन बसेरा से महापौर सीता साहू एवं अपर नगर आयुक्त योजना एवं सफाई और स्थायी समिति के सदस्य ने विधिवत उद्घाटन किया। इस थाली में दिन में जहां चावल, दाल, सब्जी, भुजिया और अचार दिया जाएगा, वहीं रात में 15 रुपये में 5 रोटी, दाल, सब्जी, भुजिया और अचार दिया जाएगा। गायघाट स्थित रैन बसेरा से इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद शहर के 20 विभिन्न इलाकों में इसे शुरू किया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल विस्तार में रेलवे मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।